दिखना चाहिए मेन। हेलो फ्रेंड्स, बैनरी ट्यूब प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा चौहान आज आप लोग को टैली आरपी 9 पे आगे के जो है प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। अभी तक जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि जीएसटी मैंने आप लोग को दोनों टाइप्स बता दिया है, मल्टीपल आइटम पे जीएसटी, मल्टीपल आइटम पे मल्टीपल जीएसटी, प्लस आपके सिंगल आइटम पे सिंगल जीएसटी। सिंगल आइटम और मल्टीपल आइटम का रीजन तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स। होता क्या है कि जब हम लोग सिंगल जीएसटी लगाते हैं तो उसपे क्या होता है कि हमारे सारे प्रोडक्ट पे एक जीएसटी लगती है, ठीक है। और जब हम लोग मल्टीपल जीएसटी लगाते हैं तो सारे प्रोडक्ट्स पे हम लोग का क्या होता है कि अलग अलग जीएसटी लगता है, मतलब अलग अलग जीएसटी, ठीक है। आइए इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को डिटेल बताती हूँ। जैसा कि याद होगा आप लोग को फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोग को जो जीएसटी बताया था, जीएसटी के तरीके, जीएसटी इसके दो पार्ट्स होते हैं, इंट्रा स्टेट जीएसटी और दूसरा इंटर स्टेट जीएसटी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें लगता है आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसमें लगता है आप लोग का ओनली आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी। इतना तो आप लोग समझ गए होगे। अब फ्रेंड्स जैसे मान लिया हम लोग इंट्रा स्टेट कर ही रहे हैं, तो अब इन दोनों की अगर हम खासियत बताएं तो इन दोनों का हम लोग सिंगल जीएसटी भी यूज कर सकते हैं, सिंगल जीएसटी भी हम लोग कर सकते हैं ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट, ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा इंटर स्टेट जीएसटी, जिसमें हमारा आईजीएसटी था, इसमें भी हम लोग जो है सिंगल जीएसटी ऑन मल्टीपल आइटम, ऑन सिंगल आइटम हम लोग कर सकते हैं, ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हम लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स इन दोनों के साथ हम लोग मल्टीपल जीएसटी और मल्टीपल प्रोडक्ट कर सकते हैं, सीजीएसटी इंट्रा स्टेट में भी, और इंटर स्टेट में भी हम लोग मल्टीपल जीएसटी और मल्टीपल प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब इसी के आगे हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट कंपनी बनाई थी, उसी कंपनी में हम लोग सारा एंट्री हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से आज इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है फटाफट आप लोग को मैं दोनों टाइप के जीएसटी एक बार करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग को आ जाए, ठीक है। एक तरह से फ्रेंड्स ये समझिए कि आज के इस वीडियो में अभी तक जितना मैंने आप लोग को जीएसटी के बारे में बताया, उसी को मैं फिर से एक बार आप लोग को दोहरा देती हूँ, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग अब लेजर बनाना अच्छे से आ गया, अकाउंटिंग भी लगभग अच्छे से आ गई, तो अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोग ऑन टाइम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे, ठीक है। यहां से हम लोग जाएंगे F8, सॉरी F9 परचेज के लिए। ओके फ्रेंड्स, परचेज वाउचर में आने के बाद नेक्स्ट जो हमारा टास्क है, ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा, एंटर 2 दिसंबर। 2 दिसंबर की बजाय फ्रेंड्स आप लोग चाहे तो यहां से डेट चेंज भी कर सकते हैं, F2, F2 यहां से हमने किया, बाहर आ जाते हैं, यहां से हमारा डेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। F2 किया यहां से 1 1 20 22, ठीक है, एंटर। ये हो गया हमारा एंटर। नेक्स्ट अब यहां से देख सकते हैं डिस्प्ले डे बुक में कोई भी हमारी एंट्री नहीं दिखाई दे रही है। बाहर आते हैं इसे और आते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद हम लोग परचेज वाउचर पे आएंगे। परचेज वाउचर में आने के बाद यहाँ से हम लोग सप्लायर इनवॉइस नंबर दे देंगे, ठीक है। डेट हमारा बाय डिफॉल्ट ले लेगा। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्रिएट क्या करेंगे, अपने सप्लायर का नेम, रामा सप्लायर। ये हमारा, क्योंकि फ्रेंड्स हम परचेस कर रहे थे, ये हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा, सन्ड्री
क्रिएटर इरा, देन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन यस एंटर, डिफॉल्ट क्रेडिट फिर वन डे दे देंगे यहाँ से। और इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आज हम लोग जो है करेंगे क्या इंटरस्टेट करेंगे, तो यहाँ से यूपी की जगह हम लोग चूज करेंगे पंजाब, और ये रहा यहां से हमने दे दिया 611003, यहां से हमने एक्सेप्ट करा लिया कंट्रोल ए। यहां से हम लोग परचेज का लेजर यहाँ पे बना हुआ है, हम लोग और भी परचेज का लेजर बना भी सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग परचेज का लेजर ले लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करें ऑल्टरेशन कर लेंगे, चेक कर लेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये देखिए इसका सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है यस करके ये देख सकते हैं हमने इसके डिटेल को फिल कर रखा है। सो फ्रेंड्स हमने जब डिटेल को फिल कर रखा है तो हम इस वाले लेजर को यूज नहीं करेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा ये ऑफलाइन मोड है यानी कि हमारा एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड पे क्या होता है कि फ्रेंड्स अगर हम लोग सेम परचेज लेजर को हम लोग अगर यूज करते हैं इंटरस्टेट में तो कई बार होता है कि वो हमारा लेता नहीं है, उसमें हमारा जो है नो होने के बाद भी वो उसी सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। यहां से हम लोग न्यू लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी परचेज अकाउंट यहाँ से जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ से नो, यहाँ से गुड्स और यहाँ से कंट्रोल ए, यहाँ से एंटर करके हम बाहर आ जाएंगे। प्रोडक्ट हम यहीं पे तुरंत तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग बना लेते हैं ऋण डिटर्जेंट, यहाँ पे ऑल्ट सी करके हम लोग बना लेते हैं डिटर्जेंट, ठीक है। यहां से हम लोग केजी ले लेते हैं और यहां से नो, यहां से एप्लीकेबल, यहां से नो। अब क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग मल्टीपल आइटम में सिंगल हम लोग जीएसटी लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग यहां से नो ही रहने देंगे और यहां से गुड, ये यहां से सिविल लाइंस क्वांटिटी हमने ले लिया 50 kg, रेट हमने दे दिया 55 और डिस्काउंट हम लोग नहीं देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम हम लोग बना लेते हैं यहां से ऑल्ट सी करके, अब यहां पे बना लेते हैं डव शैम पू, ठीक है। यहां से शैम्पू का हमने अगर कोई आइटम नहीं बनाया तो ये देख सकते हैं कोई आइटम नहीं है, ऑल्ट सी शैम्पू, ये यहां से हमने ये बॉटल ले लिया। आप लीटर वाइज या एमएल वाइज भी ले सकते हैं। अब यहां से देखिए फ्रेंड हमने ऑल्ट सी करके यूनिट बनाया, उससे पहले ये देख सकते हैं कंपाउंड हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कंपाउंड को ले लेते हैं और यहाँ से हमने चूज किया इन केस अगर मान लीजिए हमने बॉटल लिया तो यहाँ पे ऑफ 250 ml, ठीक है। सेकेंड यूनिट यहाँ से हमने लीटर ले लिया और ये, ठीक है। कंट्रोल एंटर, यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स लीटर ना लेकर के हम लोग एमएल ले लेते हैं, एमएल है नहीं ऑल्ट सी, यहां से हम लोग बना लेते हैं एमएल या ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ से लीटर ले लेते हैं यहाँ पे 250 और यहाँ पे हम लोग बॉटल ले लेते हैं ये हो गया, ठीक है। और यहां से नो गुड्स एक्सेप्ट सिविल लाइंस क्वांटिटी हमने दे दिया 15, ठीक है। यहां पे हमने दे दिया रेट 250, ये दो आइटम बन गए। अब फ्रेंड्स ये देखिए हम यहां पे टैक्स एनालिसिस करेंगे ऑल्ट ए, देख सकते हैं यहां पे हमारा जो है टैक्स रेट टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे कोई भी टैक्सेशन हमने एप्लीकेबल नहीं किया है। ऑल्ट F1 कर देते हैं, ये देखिए कोई डिटेल नहीं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमको जब सिंगल हम लगा ही रहे हैं तो यहाँ हम
जहां हमारा परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट के कर्सर ले आने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो यहां से हम लोग चूज कर लेंगे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल देख सकते हैं, एंटर किया और उसके बाद यहां से कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, अब यहां पे ऑल्ट ए, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी हमारा टैक्स रेट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये गड़बड़ किया, हमको पहले लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे एजुकेशन मोड है, तो एजुकेशन मोड में क्या होता है कि हम डिटेल अगर पहले से फिल करके ना रखे तो यहाँ अपडेट करने के बाद भी हमारा रिफ्रेश नहीं होता है स्क्रीन, ठीक है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा खास ख्याल रखना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। कृपया देखिएगा फ्रेंड्स कि आप लोग से भी ऐसी कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो, अदरवाइज फिर आप लोग का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक। ये देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बाहर आके हम लोग फिर से एंटर कर लेते हैं और यहां से हम लोग 06 यहां से रामा सप्लायर कंट्रोल ए परचेज अकाउंट, ये जो हमारा न्यू वाला है ये यहां से हमने ये चूज किया इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। और इससे पहले हम लोग एक चीज और करेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग इंटरेस्ट परचेज टैक्सेबल करने से अच्छा है हम लोग ये पुराना वाला ले लें, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि हमने इसमें इंफॉर्मेशन मेंशन कर रखी है, कंट्रोल एंटर, और यहाँ से हम लोग इसको यस कर देंगे और ये देख सकते हैं इंटरेस्ट परचेज टैक्सेबल ये हमने दे रखा है, ओके कंट्रोल ए, यहाँ से हमने डव शैम्पू, यहाँ से हमने सिविल लाइन क्वांटिटी हमने दे दी, यहाँ से 15 to 50 नो डिस्काउंट, रिन डिटर्जेंट यहाँ पे सिविल लाइन क्वांटिटी दे दी हमने 50 to 55 और यहाँ से हमने ये, अब यहाँ पे ऑल्ट ए ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे यहाँ पे शो कर रहा है इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, आपको देखना है इस पर टैक्स रेट, ऑल्ट के साथ हमने प्रेस किया F1 और ये देखिए अब डिटेल में यहाँ पे शो कर रहा है दोनों आइटम पे हमारे 12% यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो बाहर आते हैं इसे, यहाँ से हमने IGST का लेजर चूज किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ से आ गया, ठीक है, ये एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, मल्टीपल आइटम पे हमें जो है मल्टीपल जो है लगाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा 07 यहां से हमने एक सप्लायर यहां से उठा लेंगे सेलर कपिल सेलर, ठीक है, ये कपिल सेलर जो हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं, ठीक है, इनको हम लोग इंटरस्टेट ही कर लेते हैं, इंटरस्टेट कंट्रोल ए नो इश्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ से हमने परचेज अकाउंट लिया, परचेज टैक्सेबल हमने चूज कर लिया क्योंकि हमको इंटरेस्ट रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मल्टीपल आइटम ले रहे हैं, तो ये हमने यहाँ से कुछ चीजें हमारे जीरो हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, माजा इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा माजा ये लिया हमने, सिविल लाइंस ये लिया हमने 50 बॉटल, ठीक है, इस पे हम लोग बाहर कर्सर इस पे ला करके कंट्रोल एंटर और ये देखिए इसको हम लोग यस कर लेंगे, ठीक है, हमारे पुराने लेजर थे हम उसी में ऑल्ट्रेशन करके तो यस कर देंगे और ये देखिए यहां से हम लोग ऑन वैल्यू इसको हम लोग टैक्सेबल कर देंगे और उसके बाद हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में हम इस पे लगा देंगे माली हाँ जो सामग्री है तो 18% और ये गुड एक्टिवेट हो गया कंट्रोल ए। नेक्स्ट है हमारा फॉर्च्यून ऑयल इरा, ठीक है, रिलायंस इसमें भी हम लोग ऑल्ट्रेशन कर लेंगे कंट्रोल एंटर, इसको भी हम लोग यहाँ से यस कर लेंगे, यहां से हम लोग टैक्सेबल कर लेंगे, यहां से हम इसे दे देंगे
12% गुड्स, और ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी दे दिया 20, प्राइस दे दिया 200, ये देखिए ठीक है, हमने दो अलग अलग आइटम बना ली। और यहाँ पे हम फिर से दो बार एंटर करने वाले आएंगे, ऑल्ट ए करेंगे, और ये देखिए परचेज टैक्स वाले यहाँ पे दिख रहा है, हमको देखना है कि दोनों आइटम पे हमारा अलग अलग जीएसटी है या नहीं। तो ये देखिए दोनों पे हमारा अलग अलग जीएसटी, एक पे हमारे जो 18% है, दूसरे पे हमारे 12% पे है, यानी 69% आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, ये देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कंट्रोल इससे हम बाहर आ जाएंगे, यहां से हमने सीजीएसटी का लेदर चूज किया, आ गया अमाउंट, एसजीएसटी आ गया अमाउंट, कंट्रोल ए, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेप्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे दोनों ही टाइप का जीएसटी, यानी कि हम लोग परचेज में जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया, सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे सेल्स के साथ भी कर सकते हैं। सिंगल आइटम पे कैसे जीएसटी लगाना है, मल्टीपल आइटम पे कैसे जीएसटी, आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हमारा जो है प्रोसेस है F8, यानी कि सेल्स पे आ जाएंगे हम लोग, ये देख सकते हैं सेल पे हमारा स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ से सपोज दैट हमने यहाँ से ले लिया मोहन कस्टमर। अब ये मोहन के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, ये हमारा सैलरी डेबिटर है, ठीक है, ये हो गया। इंट्रा स्टेट होगा क्योंकि हमारी ये उत्तर प्रदेश का पार्टी है। यहाँ से हम लोग सेल अकाउंट कंट्रोल ए, यस, इसमें भी हमने लगा रखा है, तो इसमें हमारा क्या है सिंगल जीएसटी है। बाहर आते हैं हम, यहाँ पे एक और लेजर बना लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखे हैं, चाहे तो हम इसी को भी यूज कर सकते हैं सिंगल जीएसटी के लिए। ये लिया, इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने लिया सेल्स टैक्सेबल ये, और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग चूज करते हैं डव शैम्पू, जो हमारे पास 15 बॉटल्स हैं, सिविल लाइन्स 15, रेट हम यहाँ पे दे देंगे 350। नेक्स्ट रिन 50 kg, सिविल लाइन्स 50, और रेट हम यहाँ पे दे देंगे 65, और ये हो गया हमारा यहाँ पे ऑल्ट ए। ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देन ठीक इसी तरह से ऑल्ट F1, दोनों पे हमारा क्या कहते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और दोनों पे क्या है फ्रेंड्स सिंगल जीएसटी है, यानी कि आइटम मल्टीपल है लेकिन जीएसटी हमारी सिंगल है, और दूसरी चीज कि हमारा ये इंटरेस्ट रेट है। ओके फ्रेंड्स, तो बाहर आते हैं इसे सीजीएसटी एसजीएसटी, ये हो गया। अब नेक्स्ट आइटम फ्रेंड्स इसी तरह से देख सकते हैं आप लोग, अब हम लोग मल्टीपल आइटम पे मल्टीपल जीएसटी लगाएंगे। यहां से हमने एक चूज कर लेते हैं सेलर, न्यू सेलर हम ले लेते हैं, या कस्टमर, ठीक है, शिव कस्टमर ये लिया, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, तो हम इनका प्लेस चेंज कर लेते हैं या हम न्यू बना लेते हैं ऑल्ट सी, यहां से हम लोग दे देते हैं कार्तिक कस्टमर, सनरी क्रिएटर सनरी डेप्टर, ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, डिफॉल्ट पीरियड 1, ठीक है। यहां पे फ्रेंड्स हमने एक गलती कर दी, हमको यहां पे स्टेट इनका
किसी और स्टेट का रखना होगा, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ से राजस्थान ये, और यहाँ पे हम पिन कोड डाल देते हैं 8 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक, देख सकते हैं यहाँ अभी भी शो कर रहा है, इसका मतलब हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक, फिर से आते हैं यहां से हम लोग एंटर 08, यहां से हमने कार्तिक को चूज किया, कार्तिक कस्टमर। ये देखिए अब इसका राजस्थान यहाँ स्क्रीन पे शो करने लगा। क्या है कि फ्रेंड्स हमारे ये ऑफलाइन मोड है, तो आप लोग अगर सोचे वहीं से हम अपडेट करें तो नहीं होगा, आपको एक बार बाहर आना ही पड़ेगा। कंट्रोल ले, अब यहां से हम लोग न्यू सेल्स अकाउंट क्लेजर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये इसको हम नो ही रहने देंगे क्योंकि हमें मल्टीपल आइटम पे मल्टीपल लगाने हैं। ठीक है, गुड्स कंट्रोल ए, यहाँ पे इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल, ठीक है, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल, ओके। अब जो यहाँ पे हमारा आइटम है फॉर्च्यून, ये हमने ले लिया, सिविल लाइंस 20, यहाँ पे रेट दे देंगे हम लोग 250। नेक्स्ट आइटम हमारा माजा, यहाँ पे सिविल लाइंस, यहाँ पे 50, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑल्ट ए, ये देख सकते हैं इंटरस्टेट सेल्स टैक्स। अब हमको ये देखना है कि मल्टीपल आइटम पे मल्टीपल जीएसटी हमारी लगी है या नहीं, तो अल्ट के साथ F1 ताकि हम लोग डिटेल में देख सकें। और बिल्कुल देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, जो हमारा फॉर्च्यून ऑयल है उसके 12% है जीएसटी, और जो हमारा माजा है उसके हमारा 18% जीएसटी, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल जीएसटी। ठीक है, बाहर आ जाइए इससे, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सीधा IGST, ये देख सकते हैं कैलकुलेट करके हमारा आ गया, हो गया। तो ये था फ्रेंड्स, हमने जो है देखा आपने किस तरह से कैसे हमने जो है सेल किया, परचेज किया, इंटरस्टेट किया, इंट्रास्टेट किया, और दोनों मल्टीपल जीएसटी भी लगाए, सिंगल जीएसटी भी लगाए, और दोनों ही कितने आसानी से हो गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या हुआ फ्रेंड्स, अब हमको जमा लिए जीएसटी पे करनी है, ओके। पेमेंट करनी है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, F5 पे, यहाँ पे आने के बाद एंटर करने से पहले ऑल्ट के साथ एस करेंगे स्टैचुटरी पेमेंट जीएसटी, ठीक है, हो गया। यहां से हमने रेगुलर ले लिया, देख सकते हैं, अब यहां से हमने ले लिया SBI बैंक, यहां से हमने चूज किया CGST, ये देख सकते हैं 270 रुपीज यहां पे दिया हुआ है, फिल कर दीजिए, ये हमारा ऐड हो रहा है, यानी कि हमारा पिछले जीएसटी भी साथ में जो हमारा बैलेंस रह गया था वो भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, जो हमारा पहले अमाउंट दिखा था हम उसी को लेंगे SGST, और यहाँ भी हमारा 270 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा IGST, यहाँ हमारा दिख रहा है 6180 रुपये, 6180। ठीक, एंटर किया इस तरह से, ये देखिए IGST का तो रिकॉर्ड हमारा खाली हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा CGST SGST है उसका रिकॉर्ड हमें पहले का भी दिख रहा है, क्योंकि हमारा पिछला जो GST था वो हमने क्लियर नहीं किया था, तो क्या हो रहा है इसमें आ रहा है लेकिन इंक्लूड होकर दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है, जो अमाउंट आ रहा है आप उसे डाल दीजिए, और यहाँ से कैश ओवर द काउंटर, नेम ऑफ द बैंक SBI, यहाँ पे पोर्टल नंबर दे देंगे, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ERN नंबर, यहाँ से पेमेंट डेट, यहाँ से हमने दे दिया 2/1/2022। ठीक, ये हो गया, देख सकते हैं, और यहाँ से कंट्रोल ए, इस तरह से हमने GST यहाँ से पे कर दिया, देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इन केस मान लीजिए जैसे कि हमने अभी अभी जो हाल ही में रिसेंटली हमने GST पे किया है, अब हमको एक बार और चेक करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे GST में कुछ रह तो नहीं गया, आइए चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से एंटर करेंगे यहीं पर, ऑल टेस्ट कर देंगे,
ये रेगुलर, और यहाँ से हमने एंटर किया, यहाँ से हमने SBI बैंक चूज किया, यहाँ से हमने CGST चूज कर लिया। ये देख सकते हैं इसमें हमारा 540 दिखा रहा है, 540 अगर हम इनपुट करते हैं ये देखिए हमारा ऐड होता चला जा रहा है, इट मींस कि अब भी हमारा कुछ वहीं पे अधूरा रह गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, जो आप लोग को करंट अमाउंट दिखे आप उसी को लेके पे करते जाइए, बाकी इन केस जो आप एड ऑन होते जा रहे हैं उसे आप साल के आखिर में आप जाके रिटर्न फाइल कर सकते हैं और वहां से आप अपना GST का जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने किया होगा वो आप ले सकते हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, बाकी आप लोग को पे करने का यही तरीका है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझ में आया कि हम लोग मल्टीपल GST कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग आपको जो है इसी के आगे टैली GST ERP 9 के बारे में और भी जो है नई नई चीजें आप लोग बेसिक बातें और नए एडवांस फीचर्स में सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। ओके, स्टेप बाय स्टेप जैसा कि अभी तक चलता आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।